एक तो है गाइस, ग्राउंड फ्लोर पे रहने का ये सबसे बड़ा नुकसान है कि हमें एक व्यू नहीं मिल पाता अच्छा था, ताकि एक अच्छा सा टाइम लैप्स शूट कर पाए उसके लिए, और थोड़ा सा कहीं देखना पड़ता है, अपने एक गार्डन के पास जाना पड़ता है ताकि हम टाइम लैप्स अच्छा सा शूट कर पाए। उसमें भी हमें कैब मिलता है, ज़्यादातर गाड़ियाँ घूम रही है, लोग इधर उधर जा रहे हैं। सो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन टुडे। सो आज अभी वैसे कुछ प्लान तो कुछ है नहीं, तो अभी देखते हैं क्या होगा। अभी मोस्ट प्रॉब्ली अभी मेरे को जाना है, पोस्ट ऑफिस जाना है, यहाँ पे एक पोस्ट आई गेस 3-4 पोस्ट करने हैं मेरे को, कुछ पापा का इम्पोर्टेंट काम है। सो अभी तो मैं निकल रहा हूँ पोस्ट ऑफिस के लिए। एक तो ये पास में मेरे घर के पोस्ट ऑफिस, तो मैंने सोचा स्कूटी ले जाता हूँ, बेटर रहेगा, फालतू में इतनी क्या गाड़ी निकालनी यहाँ से। वैसे गाड़ी निकाल भी नहीं सकता अभी क्योंकि पापा ही गाड़ी ले गए। पहुँच चुका हूँ पोस्ट ऑफिस, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन लगी पड़ी है, अभी देखते हैं कितनी देर में नंबर आएगा। अभी आगे की तरफ निकलता हूँ ताकि जल्दी जल्दी निकले। एक तो यहाँ वो वाली लाइन स्पीड पोस्ट की है, ये वाली इधर बैंक की है, बैंकिंग का जितना काम है यहाँ पे लोग इस साइड में खड़े रहते हैं, स्पीड पोस्ट वाले इस साइड में। तो मैं स्पीड पोस्ट वाली लाइन में देखते कितना टाइम लगता है। लाइन में लगाऊं ताकि इसको करवा सकूं, जल्दी से स्पीड पोस्ट का काम करवा सकूं। देखते कितने दिन में आएगा टाइम। काम तो हो गया, मेरे को क्या स्लिप भी मिल गई है कि तो अभी क्या हुआ, अभी जस्ट मैं आ रहा था तो मेरे फ़ोन की बैटरी डेड हो गई, तो उसके कारण व्लॉग क्या था पूरा शूट भी नहीं कर पाया उधर। तो क्या हुआ था उधर, तो मेरे को स्लिप तो मिल गई थी, उसके बाद मैं जस्ट आने लगा तो उतनी देर में देखा भाई फ़ोन की बैटरी डेड हो गई। तो मैंने सोचा कि कोई नहीं, नेक्स्ट बाद में क्या शूट कर लेता, घर आगे शूट कर लूँगा। तो हाँ, मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, वो क्या थी कि जैसे मैं कल बता रहा था ना, पापा ने ट्यूबलेस टायर में ट्यूब डलवाई थी, क्योंकि फिर मेरे को अभी पता चला, आज सुबह सुबह ही पता चला कि क्या हुआ कि जिस टायर में डलवाई थी आगे वाले में, उसमें हवा पूरी ख़त्म हो गई थी वापस। तो पापा ने बताया मैंने ट्यूब इसीलिए डलवाई थी क्योंकि रिम का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसमें हवा लीक करती है बार बार, तो उस हर बार यही रहता है कि क्या था हवा भरवानी पड़ जाती है, तो इसके कारण मैंने ट्यूब डलवाई थी। तो फिर वही मैंने करा, मैं चलो ठीक है अब कोई नहीं, अभी क्या था स्टेपनी तो पड़ी हुई थी जिस पर ट्यूब थी, तो उसको लगा दिया मैंने। पापा को ऑफिस जाना पड़ा था सुबह सुबह, तो उस समय मैंने ऐसा करके दे दिया कि स्टेपनी लगा के दे दी। तो अब मैंने पापा को बोला कि ऐसा करना कि आप जब शाम को आओगे ना तब मेरे को बता देना, तब मैं कहता उसमें दोनों टायरों में ट्यूब डलवा के लेके आ जाऊंगा ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो। तभी यहाँ पे बारिश हो रही है, एक तो टिप टिप बरसा पानी, दो दिन से लगातार हो रही है, वैसे मौसम भी है बारिश का ही तो चलता है यार, इतना तो काफ़ी अच्छा मौसम हो जाता, ठंडा हो जाता, बट उसके बाद की जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती है वो जो ह्यूमिड मौसम बनता है ना, उसके बाद जो पसीने निकलते हैं भाई, बुला देते हैं सीधे। बाहर इतना ठंडा मौसम हो जाता है, घर पे मम्मी बोलते हैं कि एसी वैसी मत चलाओ बाहर की, क्या खिड़की विड़की खोल दो, अच्छा मौसम रहे घर पे भी अच्छा रहेगा। बट क्या हो जाता है, क्या था ह्यूमिड के कारण गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है, फिर एसी चलाने का बहुत मन करता है, फिर पापा बोलते नहीं चलाना, मेरे को बोलना हाँ चलाना, तो यहाँ पर भाई लड़ाई हो जाती थोड़ी सी।
पानी से बचने का मेरे को एक बहुत सही छाता मिला है जो है ये काफी बड़ा पत्ता है, काफी सही छाते की तरह काम कर सकता है। बारिश का मौसम है और बारिश के मौसम में समोसे और जलेबी खाना तो यार बनता है और बहुत मज़ा भी आता है काफ़ी। तो अभी तो मैं वापस जा रहा हूँ ये टायर चेंज करवाने के लिए ताकि इसमें ट्यूब डलवा दूँ टायर में। लॉकडाउन में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि क्या तक पता ही नहीं चलता कि किस टाइम पर नहाएं। देखो अभी मैं अभी जस्ट नहा के आया हूँ, अभी टाइम हो रहा है कि 6:30 हो रहे हैं। अभी यार एक ये नुकसान है कि टाइम पता नहीं कब निकल जाता है। बस में ही है यहाँ जहाँ से टायर चेंज करवाना है मेरे को, जल्दी से टायर वायर चेंज करवाते हैं, इसका भी काम खत्म करके फिर पता नहीं ना गाड़ी कहीं पे कहीं पे भी निकल जाएगी और उसके स्टेपनी में भी हवा निकली हुई है। ट्यूब तो मैंने जैसे कल रखी ली थी वहाँ पे गाड़ी में ताकि दिक्कत ना हो आगे कहीं, अभी जाके बस चेंज ही करवानी है। तो अभी तो ये भाई ट्यूब लगा रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे आया मैं जोरबाग मेट्रो स्टेशन के पास में, मेरे घर के सबसे ज़्यादा पास यही पड़ता तो यहीं से लगवा देता ना। अभी टायर तो लग चुके हैं तो अभी मैं निकल रहा हूँ ऐसे घर के लिए। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, होप यू एंजॉय दिस व्लॉग और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।